लुबना का माइक ऑफ हो गया हाँ सही है ठीक है ये यहाँ तक यहाँ तक मैं पढ़ रही यहाँ तक मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ उसके बाद हसीब आपसे रीडिंग करवाऊंगी ठीक है लियाकत अली खान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बस एक मिनट मैं अपनी वीडियो ऑन करती हूँ क्लियर आपको पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा हाँ हो गया लियात अली ख़ान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज बोर्न एट कानल ठीक है करनाल जिसको कहते हैं ठीक है अ टाउन इन द ईस्ट पंजाब ये एक गाँव uh, है ईस्ट पंजाब में इन 1896 नाइनटी सिक्स हिज ग्रेजुएशन फ्राम एम ए मोहम्मद एन एंग्लो औरटल कॉलेज ठीक है अलीगढ़ में जी ये जो का, ज, 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 जिसकी जो बुनियाद है वो सर सैद अहमद ख़ान ने डाली थी एंड गॉड द डिग्री इन लॉ फ्राम ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ में डिग्री यानी कानून में ना इन्होंने डिग्री ली है ही जॉइन द आल इंडिया मुस्लिम लीग इन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ये डेट्स आप लोगों को याद होनी चाहिए कायदेज़म ने कब जॉइन की थी थर्टी में नाइनटीन थर्टीन में मुस्लिम लीग जॉइन की थी और नाइनटीन सिक्सटी में वो उसके प्रेजिडेंट बन गए थे इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब जॉइन किया नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में ही वॉज इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन नाइनटीन थर्टी सिक्स और जनरल बन गए थे थर्टी सिक्स में ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टेड लिफ्ट कहते हैं दस्ते, दस्ते रास जो उनके साथ साथ चलता हो जो उनका राइट right हैंड हो ठीक हैेंट थे ऑन अगस्त सेवन ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पहले प्राइम मिनिस्टर बने ये पाकिस्तान के हिस्ट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर लाकत अली खान है और इनकी डेट भी बताई हुई है कब बने हैंटेडेड का मतलब शहीद कर देना मार देना कत्ल हो जाना ठीक है उनको इनको गोली मार दी गई थी अक्टूबर सिक्सटीन को नाइनटीन फिफ्टी वन में वही एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग है रावल पिंडी की जब ये आ, जिस तरीके से बेनज़ीर को मार दी थी ना वो भी वो जो जलसा कर रही थी इसी तरीके से इनको भी गोली लगी थी लियाकत बाग।, बाग में ठीक है टू स्टॉप द हाँ उसके बाद से लियाकत बाग उसका नाम डल गया था टू स्टॉप द ब्लड बाथ ब्लड बाथ कहते हैं कतलेआम स्लॉटर जिस तरीके से बहुत ब्लड शेड होता है ना मुसलमान कतलो गारत जिसको कहते हैं

और पंजाब का इन्हें दौरा किया था बॉर्डर एरियाज़ में यानी लकीरों की तरफ उनने एरिया वहाँ पे दौरा किया था और पंडित नेहरू के साथ ताकि जो पंजाब में ब्लड शेड है जो कत्ल गारत है वो ख़त्म हो जाए ठीक है रेफ्यूजीज़ बाई पोरिंग इन टू द पंजाब ये एक बड़ा इशू ही रहा है हमेशा से रेफ्यूजीज़ रिहेबलीटेशन रे, रे, ऑफ रेफ्यूजीज़ were pouring into the Punjab पंजाब a large number नंबर it was not an easy task to accommodate them दम और उनको पता समझ नहीं आ रही थी कि रेफ्यूजीज को कहाँ पर डाल कहाँ पर रखा जाए कहाँ पर एरिया दिया जाए कि वो वहाँ पर रहना शुरू हो जाए ऑन द डायरेक्शन ऑफ़ कैद आजम अली ही एज़ चेयरमैन पंजाब महाजिर काउंसिल पंजाब महाजिर काउंसिल एक काउंसिल बनी थी जो रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज रेफ्यूजीजनी जिसको आप लोग आप लोग उर्दू में कह रहे हैं जिसको uh, महाजरीन की आबादकारी के लिए एक काउंसिल बनी थी उसने वहाँ महाजरीन के लिए आसानी करनी थी उनको नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करनी थी तो उसके वो ये चेयरमैन थे

एंड द गवर्मेंट इन सेटिंग अप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी बजट आर्काइव वगैरह का सिस्टम रीस्टोरेशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इकोनॉमी आपको कहते हैं माश को जो आपके फाइनेंस क्या होता है ठीक है फाइनेंशियल इशूज़ को ख़त्म किया और फाइनेंस को अच्छे तरीके से इन्होंने रिस्टोर किया है एंड प्रपरेशन ऑफ बजट और बजट की को प्रिपेयर किया कश्मीर इशू को सॉल्व करने की किसी हद तक कोशिश की है कश्मीर इशू तो अभी भी सॉल्व नहीं हो सका कंट्रोलिंग इंटरनल डिस्ट्रप्शन एंड डिफेंस अगेंस्ट इंडियन कॉन्सपायरेसीज़ और इंडिया कॉन्सपायरेसी कॉन्सपायरेसीज़ कहते हैं साजिशों को ठीक है आपके आप लोगों के यहाँ पर साजिशों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ होगा जो मुसलसल साजिशें कर रहा था इंडिया उसके अगेंस्ट ने हमेशा काम किया और जो इकोनॉमिक uh, uh, और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और इस, इसी तरीके से हमारे बाकी जो लोकल इशूज़ थे उनको इतने इतना स्ट्रॉग किया इतना मजबूत किया कि पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो मजबूत हो गई ठीक है वन द नेशन वॉज डीमोरल आफ्टर द डेथ ऑफ़ कायद अज़म बट द रिस्पांसिबिलिटी बता रहे हैं कि का, ल, का, इसु, इसु, ये जो बाकी सारे जो ये सारे इशूज कायद अजम के हाथ में थे लेकिन कायदाजम के कहने पर इन्होंने इनको अमली जामा पहनाया है ठीक है वैन द नेशन वॉज डी मोरलाइज आफ्टर द डेथ ऑफ कायदम अब कायद अजम की ग्यारह सितंबर को डेथ हो गई है एक साल बाद तेरह महीने बाद तो फिर क्या हुआ एंड द इंडियन लीडरशिप और इंडियन लीडरशिप उसके बाद मज़ीद मुसलसल कंस्पायरेसीज बना रहे थे कर, मजीद साजिशें कर रहे थे कि अब किस तरीके से पाकिस्तान की बुनियादों को कमजोर किया जाए ठीक है तो फिर उस तरी वहाँ पे जाके लियात अली ख़ान ने एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल किया था कि मुसल इन लोगों को होप नहीं लूज करने दी थी उम्मीदें नहीं खोने दी थी ठीक है और वॉज ऑलवेज बिजी इन हैचिंग कॉन्स्पायरेसीज अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश में रखा हुआ है तो हैचिंग कॉन्सपायरसीज़ का मतलब होता है मुसलसल साजिशें करना ठीक है प्लानिंग करना मुसलसल उसको हैचिंग कॉन्स्पायरेसीज कहते हैं ठीक है Pakistan, it was he who and led the और इन्होंनेट किया काईद हैना को टाइटल मिला हुआ और कायद मिलत जो है ये इनको क्या मिला हुआ लकब मिला हुआ कि खिताब मिला हुआ अच्छा ये न मेरा आ, जो जो आपको हुकूमत हाँ, ये लकब मिला हुआ है जो, जो हुकूमत की तरफ से मिलता है वो खिताब होता है ठीक है तो ये खिताब मिला हुआ है जो जो लोगों की तरफ से मिलता है वो क्या मिलता है वो लकब होता है तो ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि ये लक लग तो ये लकब रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजकल सर सैद अहमद खान को सर का जो है वो खिताब मिला था कहद आजम मोहम्मद अली जना को खिताब मिला है कायद का तो ये मेरा ख्याल है खिताब ही है मुझे इसको देखना पड़ेगा इनकमेशन ऑफ ए सुपर लीडरशिप स्किल्स और इनकी बेहतरीन लीडरशिप की एबिलिटीज़ को देख के इनको कायदे मिलत का खिताब मिला है या लक़ मिला है ये मुझे कन, कन, कन्फर्म करना पड़ेगा ठीक है या आप लोग भी कन्फर्म करेंगे आप लोगों का होमवर्क खिताब है हाँ वही मैं देखूँ ना कि सर सैद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला था ठीक है और इसी तरीके से कायद अज़म को भी हम कायद कायद अज़म का मोहम्मद अली जिन्हा को खिताब मिला है ठीक है लकब तो लकब तो लोग देते हैं ठीक है आप लकब पढ़ जाता है जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैदर करार का दे दिया था हज़रतली को ठीक है और उस्मान गनी को उनके सखी होने पे उनको गनी का मिल गया था ठीक है तो इसी ये जो है ये लकब होते हैं ख़िताब जो है वो आपको पूरी एक नेशनल ऑफिशियल तरीके से मिलता है तो ये कायदे कहदे मिलको खिताब मिला है चलें हसीवागे से आप रीड करें लियाकत अली खान के अहद हुकूमत में मुआषी तरक्की के लिए यहाँ से पढ़ना शुरू करें हसीब कहाँ चले गए नहीं नहीं हसीब है जी जी पढ़ें इन दर अच्छा एक मिनट आपकी उर्दू है ना आप वहाँ से पढ़ें लिया़त अली ख़ान के अहद हुकूमत में मुआषी तरक्की के लिए ये पेज नंबर पेज नंबर हंड्रेड है और पहला पॉइंट है ये ना? बुक है ना आपके पास जी जी पढ़ें मसनुआत प्रोडक्ट्स को कहते हैं इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की तरक्की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हाँ। जी और कहते हैं इसको आप लोग टेंथ क्लास में जाएंगे तो आपको ये मिले हमारा ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन याद करने पड़ेंगे पॉइंट्स बहुत जबरदस्त है इन्होंने ये दिन का बड़ा ये रोल है कि 1949 में उसको करार दादे आ, करारदाद मकासद जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसको उन्होंने मंजूर करवाया था ये इनका बहुत बड़ा रोल है आगे जी जी हसीब आगे हाँ माइक्रोफोन ऑन करके पढ़े हमें क्या पता आप क्या पढ़े मादा, मादा। हाँ ठीक है आगे जी जी आगे भी पढ़ें खत्म करें इसको फिर उसके बाद मैं समझाऊंगी गवार तालुकात ठीक है दी ठीक है ठीक है ठीक है इंडोनेशिया की आजादी की चलें आगे ठीक है आखिरी लाइन मुल्क दौरा किया ठीक है यानी मुल्क की बॉर्डर्स पर दौरा किया चले मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ उसकी ट्रांसलेशन करूँगी कोई मुश्किल वक्त कोई मुश्किल लफ्ज़ आया तो आप लोग मुझे बता सकते हैं ठीक है वैसे तो मुझे लगता है उर्दू में कोई ऐसा नहीं है इस इस टॉपिक में इन द रीन ऑफ लियाकत अली रीन कहते हैं एरा को टाइम पीरियड को उनके हुकूमत उनके दौर को ठीक है जो उनका दौर था इन द रीन ऑफ लियातली ख़ान नॉर्मल स्ट्रगल वॉज लॉन्च फॉर इकोनमिक ग्रोथ द पीपल वीपर्स टू यूज पाकिस्तानी प्रोडक्ट मशीनरी वॉज इम्पोर्टेड फ्राम जपान फॉर द डेवेलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेन वॉज सेटअप इकोनॉमिक रोल इन्होंने इस तरीके से इकोनॉमिक को इन्होंने इस तरीके से इस्टेब्लिश किया और इस तरीके से पुख्ता किया कि इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की और इन लोगों ने इन्होंने लोगों को बोला कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें बाहर से इंपोर्ट एक बाहर से इंपोर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है हम अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करें ठीक है तो इसी तरह इस और फिर उसके बाद एक हैवी मशीनरी इंपोर्ट की गई जापान से ताकि हम अपनी टेक्सटाइल अपनी कपड़े की जो आ, इंडस्ट्री है वो खड़ी कर सकें सही है और पाकिस्तानी इंड पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जो है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो ये एक समझ लें कि इकॉनमी को मजबूत रखने के लिए ये एक कॉपोरेशन uh, बनी थी और ये उस टाइम सेटअप हुई थी ही गॉट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास फ्रॉम असेंबली नाइनटीन फोर्टी नाइन एंड कॉन्स्टिट्यूटेड अ बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी टू ड्रॉ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो एक आप समझ लें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो आम, रे, वो एक कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जाते हैं कि आपने इनको भी फॉलो करना है उसमें बताया गया है कि उसमें यही है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये है कि हमारी जो सबरेंटी है वो अल्लाह ताला अल्लाह ताला के पास है ठीक है और इसी तरीके से जो प्रेसिडेंट होगा या जो भी होगा वो मुसलमान प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए इस तरीके से ना इस्लाम की बेसिस पे नेपटिज़म करप्शन ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए कंट्री में इस तरीके से ना जो अच्छी अच्छी बातें वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्हें पास करवाया था कि कभी भी ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो जो चीज़ें पा इस कुरान में प्रिस्क्राइब की गई हैं कि ये चीज़ें मना हैं और ये चीज़ें अलाउड हैं वो ऐसा ना हो कि उसके हम खिलाफ चले जाएँ तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्हें पास करवाया था और अभी तक वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कौन सा वाला कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है अभी सेवेंटी थ्री का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है ना अभी हमारा तो तीन कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं अभी तक फिफ्टी सिक्स का आया है सिक्सटी टू का आया है और सेवेंटी थ्री का आया है ठीक है तो हमारा सेवेंटी थ्री का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है और सेवेंटी थ्री का जो है वो उसकी उसमें भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अभी आ, आ, उसको साथ साथ लेके हम चल रहे हैं ठीक है ऑब्जेक्टिव रिजल्यूशन हो गया ही विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपको याद है पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर टू हो गई है 1945 के बाद दुनिया बाइपोलर हो गई थी और रशिया और अमेरिका सुपर पावर थे पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने किसी ना किसी की फेवर ज़रूर लेनी थी दो दो सुपर पावर में से किसी एक की फेवर ज़रूर लेनी थी तो उन्होंने ये कहा कि रशिया या हमें इनवाइट करे या अमेरिका इनवाइट करे तो इनविटेशन हमें दोनों की तरफ से आई थी लेकिन लियाकत अली खान ने 1950 में दौरा कर लिया था यूनाइटेड स्टेट्स का ठीक है तो यूनाइटेड स्टेट्स का उन्होंने दौरा किया और वहां पे वो चले गए तो रशिया की दावत जो है वो हमने ठुकरा दी थी एंड थ्रू हिस स्पीचेज ही अप्राइज अमेरिकन पीपल एंड लीडर्स ऑफ बैकग्राउंड ऑफ़ दबलिशमेंट ऑफ पाकिस्तान और इस तरीके से उन्हें बताया कि पाकिस्तान के बंदे के पीछे कितनी बड़ी जद्दोजहद है सब लोगों को उधर उनने पब्लिक कॉमन पब्लिक से ये बात बताई को ये बात बताई और कहा कि पाकिस्तान को आप uh, माने कि पाकिस्तान मैपे आया है और पाकिस्तान को आप लोग खुले, खुले दिल से जो है एक्सेप्ट करें ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस द अमेरिकन लीडरशिप

Uh, he supported the steps taken by dr mohammad musaddiq the prime minister of Imra uh, iran uh, prime minister of iran uh, to nationalize the oil ठीक है वेन शाह ऑफ ईरान पेड स्टेट विजिट टू पाकिस्तान बोथ ऑफ द लीडर्स हेल्ड टॉक्स टू अडोप्ट जॉइंट पॉलिसी ही कंडेम एग्रेशन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज अगेंस्ट इजिप्ट एंड सपोर्टेड द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडोनेशिया इसी तरीके से जब हमने फॉरेन पॉलिसी को अपना हमने फॉरेन पॉलिसी फार्मूलेट की तो उसमें हमारे पास ये था कि हमने नेबरिंग कंट्रीज से इस्लामिक कंट्रीज से और नॉन मुस्लिम कंट्रीज से क्या करना है रिलेशन बनाने यानी सारे कंट्रीज से रिलेशन बनाने ताकि हम मजबूत हो सकें मैप पे तो इस्लाम मुस्लिम कंट्रीज से इनके अच्छे रिलेशन लियाकत अली ख़ान ने फार्मूलेट करवाए फॉरेन पॉलिसी के थ्रू और उन्होंने जो है सबसे पहले ईरान के बारे में बात हो रही है कि डॉक्टर मुसद्दिक मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद मुश्दिफ़ एट दैट टाइम क्या थे आ, आ, प्राइम मिनिस्टर थे ईरान के उन उनके थ्रू इन्होंने नेशनलाइज़ करवाया ऑयल उनको सपोर्ट किया कि वो ऑयल को नेशनलाइज करें ऑयल को आम करें मुल्क में ठीक है बेन शाह ईरान वो जब पाकिस्तान आए तो इन्होंने एक जॉइंट पॉलिसी बनाई दोनों प्राइम हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर ने ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही थे ना पहले प्राइम मिनिस्टर तो दोनों प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर जॉइंट पॉलिसी दी और फिर उसके बाद इन्होंने सख्त इस बात की मजम्मत की है बहुत इस चीज़ को इस चीज़ के अगेंस्ट गए हैं कि इजिप्ट की जो है वो सारे उस टाइम मिसर को ना आ, उ, उसके ख़िलाफ़ सारी कंट्रीज़ थे तो इस बात पे ये इस, इनने इस बात की आ, क्या की मजम्मत की कि इजिप्ट की जो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं जो आप समझते हैं जो अंग्रेज मुल्क हैं अंग्रेज़ ममालिक हैं इनको इनको इजप्ट की मुखालफत नहीं करनी चाहिए एंड सपोर्टेड द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडोनेशिया और इंडोनेशिया उस टाइम इंडोनेशिया को फ्री करवाने में कहा जाता है कि पाकिस्तान का हाथ है अब क्या पता अल्लाह ताली ही जानता है कितना ज़्यादा हाथ है कितना ये बात इस बात में सदाकत है तो इंडोनेशिया की फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी तो हमने उस फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट किया था ये आप लोगों की पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक्स में ना बड़े मजे मजे की बातें देख के हंसी आती है कि वो यूजुअली यहाँ पे ये भी था कि आपकी बुक में था कि यूएन का मेंबर बनाया है चाइना को पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान ने सिर्फ शोर किया था यूएन में जाके तो चाइना बनाने मेंबर बनाने वाला काम तो फिर यू का था पाकिस्तान का तो नहीं था अच्छा आगे चलते हैं आफ्टर पाकिस्तान वेब्लिश हिंदू मुस्लिम वर अप राइट्स इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं मैं रिया पढ़ती हूँ हिंदू मुस्लिम वर आ, इन इंडिया ड्यू टू एंड एनमिटी ऑफ हिंदूज अगेंस्ट द मुस्लिम रियार्ट कहते हैं आ, जो फसाद होता है या जो लड़ाई होती है झगड़ा होता है ठीक है हिंदू मुस्लिम्स के दरमियान में जो लड़ाई थी वो रूटीन बेसिस पे हो रही थी यानी हर रोज मामूल, मामूल बन गया था रोज का ठीक तो इं, है तो इन इंडिया ड्यू टूर सवेर एनमिटी ऑफ इंडिया अगेंस्ट मुस्लिम्स आपको पता है हिंदू मुसलमानों के दुश्मन हुए हुए थे लियाकत अली खान किया लियाकत नेहरू में इंडिया में गए वहाँ पे पर नेहरू से बातें की बातचीत हुई म्यूचुअल निगोशिएशन हुई और लियाकत नेहरू पे एक्ट बना था कि ये जो दुश्मनी है इस दुश्मनी को खत्म किया जाए ठीक है बैन इंडियन आर्मी जी जी बेटे हाँ वो लेफ्ट इसलिए कर दिया उन्होंने क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे चार्जिंग कम है तो चले मैं यहाँ से ही पढ़ा देती हूँ लास्ट पॉइंट पढ़ा रही हूँ ना 1951 के वर्ष में जब भारतीय फौजें पाकिस्तानी सरहद पर जमा हुई तो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई गैर यकीनी का मतलब अनसर्टेंटी एक किस्म की ना अनकंफर्टेबल सी फीलिंग जिस तरीके से अनसर्टेंटी का मतलब ये कि खौफ और हिरासत फैल गई कंट्री में ठीक है आपने कौम का हौसला बुलंद करने और इसके और इस खतरे से आगाह करने के लिए मल गिर दौरा किया और फिर उन बॉर्डर एरियाज में लियात अली खान ने बॉर्डर एरियाज में वहाँ पे वो गए और मल गिर कहते हैं बॉर्डर एरियाज को विजिट किया और वहां पर जाके लोगों के जो हौसले हैं उनको बुलंद किए किए कि